मोदी सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा पर हमेशा से ही विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार में न सिर्फ रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया बल्कि सशस्त्र बलों के लिए उत्तम हथियारों की भी व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के तहत वायुसेना को दुनिया का सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल मिल सका है तो थल सेना को भी तमाम अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया गया है। अब केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी को भी और अधिक शक्तिशाली बनाने का फैसला लिया है। इंडियन नेवी को जल्द ही 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का एक दस्ता मिलने वाला है जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाएगी और समंदर के रास्ते भारत को चुनौती देने वाली की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करेगी। रक्षा मंत्रालय ने अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मकसद से भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस सबमरीन के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है जिसकी लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को ही एक बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। चीन के बढ़ते नौसैनिक कौशल के साथ अंतर को कम करने के लिए भारत ने यह निर्णय लिया है। P-75 इंडिया नाम के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 6 एडवांस सबमरीन मिलेंगी जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी। DAC खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है। सूत्रों ने बताया कि पनडुब्बियों के विनिर्देशों और महापरियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अलग अलग दलों ने पूरा कर लिया है। P-75 इंडिया प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और LNT को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सौंपेंगी और बिड लगाएंगे।